खतरनाक डॉक्टर बनेंगे और मरे हुए लोगों को भी चिंता कर देंगे। अरे कौन से डॉक्टर सेलेक्ट करे? अरे इनको कह लेते हैं। अरे पागल हो गया, इन डॉक्टर को सेलेक्ट करते हैं। और ये हम लोग का पहला केस। और ये अंकल अपने हाथ में पता नहीं कौन से कांटे घुसा लिए, लगता है किसी झाड़ में गिर गए हैं। अरे लेकिन मैं इस वैक्यूम क्लीनर वाली मशीन से इनके सारे कील खींच लूंगा। अरे अंकल को तो बहुत दर्द हो रहा होगा। अरे इनके तो पूरा यहाँ पे लाल लाल हो गए हैं। चलो यहाँ पे स्प्रे मार देते हैं, सब सही हो जाएगा। संभाल के चलना, कहीं फिर से मत गिर जाना कहीं पे। चलो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बैंडेज लगा देते हैं। अभी तो बहुत बड़ी बैंडेज है, इसको 10 दिन बाद खोलेगा चाहिए। बाय। और यही अगला पेशेंट। अरे ये अगले लेवल में क्या है? इनके पैर पे तो कीड़ा चिपक गया है। और अंकल जी कह रहे हैं उनके ये कीड़ा कल से चिपका हुआ है। दोस्तों मैंने एक बदबूदार स्प्रे बनाया, चलो ये इसके ऊपर डालते हैं और ये कीड़ा भाग जाएगा बदबू सूंघ के। पता नहीं ये मच्छर इनके चिपक कैसे गया, मेरा तो काट के उड़ जाता है। अरे पागल कमकल के बच्चे, ये मच्छर नहीं है, ये एक अलग टाइप का कीड़ा है। और ये क्या मसाला बदबूदार स्प्रे से कीड़ा मर गया है? चलो फिर इसको इससे उठा लेते हैं, हाथ से उठाएंगे पता चला हमारे ही चिपक जाए। अरे पीछे डॉक्टर क्या कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं और बैंडेज भी लगा देते हैं। अरे दोस्तों नेक्स्ट पेशेंट के गले में मोच आ गई है। रुको फिर मैं इनकी गर्दन ठीक करता हूँ। और ये पगड़ा पगड़ा और तो मर गया लगता है। अरे जिंदा है, जिंदा है। और ये हाथ आगे क्यों रख दिया? अरे इनकी उंगलियों में बहुत दर्द हो रहा है, रुको मैं सही करता हूँ। इसको उठाओ, इसको भी उठाओ, अभी सही हो जाएंगी। अरे मसाई ये तुम क्या कर रहे हो, इनकी उंगलियां टूट जाएंगी पागल। इनका दर्द भी ठीक हो गया। और दोस्तों ये बता रहे कि इनका हाथ खराब हो गया है। अभी देखते हैं कितना खराब हुआ है, बताओ कुछ पता चल रहा है? दर्द हो रहा है, अब हुआ दर्द? अरे ये तो गुस्सा हो गया। अरे दोस्तों बॉक्सिंग करते समय इनके मुंह पे किसी ने जोरदार मुक्का मार दिया है और इनके दांत टूट गए हैं, इसलिए नोबिता शिनचैन और मसाओ ने इनके एक दांत दिया है अपना अपना, ताकि हम लोग इनके लगा सके दांत। अरे वो छोटा वाला मेरा है। अरे पागल छोटा दांत मेरा है। अरे चलो फिर मैं प्यार से अपना दांत लगाता हूँ, ये लग गया। अरे फेविकोल लगाया है ना? अरे फेविकोल नहीं तो टेप लगा दिया। अरे इनके दांत तो बहुत गंदा है, मुझे देखने बहुत गंदा लग रहा है, चलो जल्दी से साफ कर देते हैं। चलो यहाँ पर फिर व्हाइट पेंट कर देते हैं। अंकल अब से रोज दिन में 6 बार ब्रश करिएगा, नहीं तो सारे दांत तोड़ दूंगा। अच्छा ये अंकल चेकअप के लिए आए हैं, बैठे यहाँ पे और कपड़े उतारिए अपने। अरे सारे कपड़े मत उतारने लगना, मैं ही उतार देता हूँ सिर्फ शर्ट। चलो फिर मैं चेक करता हूँ। अरे अरे बापरे चेक करता हूँ। अरे बापरे तो बहुत खतरनाक है। अरे क्या हुआ शिनचैन? इनका दिल काम नहीं कर रहा है। अरे पर अब हम क्या करें, हमें तो हार्ट का ऑपरेशन करना आता ही नहीं। एक आइडिया है, हम आपको मसाओ का दिल दे सकते हैं। अपना दिल निकाल के दे दो। अंकल जी अब तक खुश है ना? हाँ बस मसाओ का एहसान याद रखना। चलो चलते हैं ऑपरेशन करने, जल्दी चलो जल्दी चलो चलो चलते हैं। अरे किसने देखा तो नहीं? अरे लेकिन ये हमारे हाथ पे अभी पोटी कैसे लग गई? अरे हम लोग उसी पे फिसल के गिरे थे, पता नहीं हॉस्पिटल के बीच में किसने कर दिया। अरे इसको जल्दी छुटाओ, जल्दी जल्दी छुटाओ इसको, लगता है ये चिपक चुका है, कभी नहीं छूटेगा। अरे देखो ना मैंने छुड़ा दिया है, देखा? अरे नोबिता इतना मत घसीटो, हाथ टूटे जा रहे हैं। चलो अभी ग्लव्स भी पहन लेते हैं और फिर ऑपरेशन करते हैं। भी पहन लिए ग्लव्स। अरे दोस्तों मेरे पास एक नया पेशेंट आया और इनके हाथ में अंगूठी फंस गई है। अरे दिमाग खराब है क्या? हम बहुत बड़े डॉक्टर हैं, हम छोटे मोटे केस नहीं देखते। अरे अब आ ही गई है तो रुको मैं तेल लगा के निकाल देता हूँ। आंटी जी ये रोने का नाटक क्यों कर रही है? अरे आंटी रोने की कोई जरूरत नहीं है, रुको मैं इसको ऊपर घसीटता हूँ और ये थोड़ा सा और बाकी है और ये हो गया, फीस देने की जरूरत नहीं है। और ये क्या, इसके पैर में तो बहुत बड़ी कील घुस गई है, ये सबको क्या हो रहा है? चलो फिर जल्दी निकाल लेते हैं। हाँ जो लगा के हाई शाही तो निकल ही नहीं रही है, निकल गई। चलो अब इनकी चोट पे क्रीम लगा देते हैं। अरे मैं लगाता रहा हूँ। अरे पागल नीचे कहाँ क्रीम लगा रहे हो, ऊपर चोट पे लगाओ कमकल लड़के। अरे ये निशान तो जा नहीं रहा, चलो यहाँ पर इसको बैंडेज से छुपा देते हैं। अंकल जी आपका निशान मिट गया है अब। अरे दोस्तों हमारे यहाँ नया पेशेंट आया है, ये अपनी नेल पॉलिश छुटवाने आई है। अरे पागल हम लोग डॉक्टर है, हम लोग यहाँ पर कोई ब्यूटी पार्लर नहीं खोल के बैठे हैं। देखो दोस्तों मैंने इनके एक नया बड़ा नाखून लगा दिया और नेल पॉलिश भी लगा दी। अरे मारो इसको, हम लोग डॉक्टर है, ये पागल पता नहीं क्या कर रहा है। अरे दोस्तों अब हमें एक अंकल जी को नहलाना है। अरे सब क्या देखना पड़ रहा है, हम तो डॉक्टर थे तो फिर हम यहाँ किसी को नहला क्यों रहे, नेल पॉलिश को लगा रहे, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मारने लगूंगा सबको। अरे नहला देते ना, ये लो पानी, नहा लो पानी। अरे अंकल जी इतने गंदे कैसे हो गए, शायद ही गोबर में गिर गए थे। अरे अंकल जी फालतू के पैसे की वेस्ट कर रहे हैं, खुद से नहा लीजा करिए ना, हमारी फीस है 10 लाख रुपए, टाल नहीं मारने का है। अरे दोस्तों देखो इस लड़की को फीवर हो गया है और इनने अपने मुंह पे लाल लाल मेकअप कर लिया है। अरे पागल लाल लाल मेकअप नहीं है, वो फीवर की वजह से हुआ है। अरे चलो चेक करते हैं कितना फीवर है, तो घुस ही नहीं रहा नाक में। अरे पागल इसको नाक में क्यों डाल रहे हो, ये थर्मोमीटर इसको मुंह में डाला जाता है ना कि आँख में या नाक में? अरे हाँ मैं भूल गया था, मैंने भी तो बचपन में डाला है जब मेरा टकला गर्म हो जाता है। अरे बाप रे तो बहुत फीवर है, जल्दी इसको बाहर निकालो। अरे इनका जो मुंह है ना लाल लाल, इस पे पाउडर डाल के मुंह सही कर देते हैं। बस आपको थोड़ी दवाई खानी है और आप ठीक हो जाएंगी, पहले दवाई का ढक्कन खोलता हूँ। अरे करिए, अरे आंटी जी सही से एक जगह बैठी है ना, वो इतना नाच क्यों रही है? अरे नोबिता तमीज से खिलाना, एक से ज्यादा दवाई अगर इन्हें खा ली तो ये मर जाएंगी।
ओके बो कैप्टन, मैं समझ गया, आप देखो मैं क्या करता हूँ। अरे अरे आंटी मुंह बंद करिए, आपके मुंह में बहुत सारी दवाई जा रही है। अरे बाप रे, आंटी ने तो बहुत सारी दवाई खा ली, अब क्या होगा? और आपको क्या तकलीफ है, क्या पीठ पे दर्द हो रहा है? अरे रुको, मार मार के सही कर देते हैं, मसाज भी कर देते हैं तुम्हारी। रुको थोड़ा तेल लगा करते हैं और भी अच्छा लगेगा। और ये हो गया, रुको मैं अच्छे से मसाज कर देता हूँ, ये आराम आराम। अंकल जी पैसे थोड़े ज्यादा देके जाना, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। रुको और ये बस आखिरी काम और ये हो गया, अब आप अपने घर जाइए। अरे दोस्तों ये अंकल सो रहा था और इनके बच्चे ने इनके कान में पता नहीं क्या क्या भर दिया है, और हम लोग वही इनके कान में पानी डाल के निकालेंगे। अरे वाह, मेरी पिचकारी से इनके कान से कूड़ा निकल रहा है। अरे तो खत्म ही नहीं हो रहा है, लग रहा है सारे घर का कूड़ा इनके कान में पड़ा है। इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, चलो फिर इससे निकालते हैं। अरे अंकल जी अब से अपने घर में डस्टबिन भी रखिएगा, कान में मत भर लीजिएगा कूड़ा। और बाप रे सारा कूड़ा निकल गया, छी, जाइए जल्दी यहाँ से। अरे बहुत ज्यादा इमरजेंसी केस है, हमें जल्दी से इसका ऑपरेशन करना होगा। अरे जल्दी से इसको लेके चलो वरना ये मर जाएगी। कौन है जो हमें जाने से रोक रहा है, बार बार यहाँ के डोर खोल रहा है, बहुत मारूंगा। जल्दी चलो। अरे अब ये कौन रास्ते में आ गया था, मुझे करना ही नहीं है। ये कहाँ से आ गया? अरे आखिरकार हम लोग पहुँच गए, कहीं मर तो नहीं गई आंटी? अरे दोस्तों डॉक्टर कुछ मांग रहे हैं, इनको दे देते हैं। अरे इनको तो ये चाहिए। अरे यही तो देना, ये देखो मेरा प्यारा। अरे 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 तो बहुत गुस्से में, मसाब की गला मत देना नहीं तो मार देंगे। अरे ये पागलो, ये देखो ये लो। अरे जाइए ऑपरेशन करिए जाके। अरे इनको तो और सामान चाहिए, कहीं कोई चोर वोर तो नहीं है? सारे सामान अपने झोले में भर के ले जा रहा है। अरे छोड़ो ये भी दे देते हैं, बहुत गुस्से में, ये लो। अरे मसाब बाबा गलत क्यों दे रहा, ये देना। अरे दोस्तों ये बाल कटाने गए थे और बार्बर ने इनके यहाँ के सारे बाल काट दिए। तो ये हमारे पास क्या करने आए हैं? और ये हमसे बाल लगवाने आए हैं नबिता। अरे मेरे पास हर चीज का इलाज है, देखो मैंने यहाँ पे फेविकोल लगा दिया है और इसमें मैं बो और नबिता के बाल नोच के चिपका दूंगा, क्योंकि मेरे तो है नहीं और सिंचान के तो कुछ ज्यादा ही छोटे हैं। अरे वाह मसा, तुम तो अच्छा कर रहे हो। बाय बाय अंकल जी। अरे दोस्तों ये बता रहे हैं कि इनको दुनिया से अलग दिखना है और हरा हरा कलर कराना है अपने पूरे शरीर पे। चलो फिर इनके ऊपर हरा पेंट कर देते हैं। अब सीधे भी हो जाइए, ये तो एलियन जैसे लग रहे हैं। अब आपका कलर चेंज हो गया है, जाइए। आंटी जी कह रहे हैं कि इनको चश्मे से दिख नहीं रहा है। अरे पागल लड़की, दिखेगा कहाँ से, ये तो टूटा हुआ है। चलो फिर इसका पुराना लेंस हटा देते हैं और फिर नया लेंस लगा देते हैं। अरे वाह, चश्मे को तोड़ने में तो बहुत मजा आ रहा है। चलो फिर नया लेंस लगा देते हैं। इधर साइड लगेगा लेफ्ट, लेफ्ट इधर होता है और राइट वाला इधर लगेगा। अरे तो मेरा काम है, थैंक यू। दोस्तों इनको ऑपरेशन करने के लिए अंदर भेजना है। अरे लेकिन ये तो हेडफोन और मोबाइल वोबाइल लेके जा रहे हैं। चलिए चेन निकाल के अपने पास रख लेंगे। वॉच भी निकाल लो और ये बेल्ट भी निकाल लो, हो गया। अरे ये क्या, अपने हाथ पैर पीछे क्यों कर लिया? सीधे होकर लेटो ना, समझ नहीं आ रहा क्या, मारने लगूंगा। अरे वो पेशेंट से सही से बात करना, उन्हें टांगे तोड़ दूंगा। चलो पैर सीधे हो गया, अंदर जाओ। अब हम यहाँ पर बैठ के लोगों की मेडिसिन लिखेंगे। पेट खराब है तो उसके लिए ये वाली दवा सही रहेगी। अरे निपटो तुमने क्या लिख दिया है? अरे मैंने तो कुछ भी पेन चला दिया है, जाके अपने मन से कोई भी दवाई ले ले। चलिए आप रोना बंद करिए और अगला आ गया। आपको क्या दिक्कत है? अच्छा तो आप सांस नहीं ले पा रही हैं, आप खाइए विक्स की वाली। अरे नहीं मुझे लग रहा है आप किसी और डॉक्टर को जाके दिखाइए, मुझे नहीं समझ आ रहा। अच्छा आज हम किसी से मार नहीं खाए। अरे दोस्तों एक नया पेशेंट आया है, ये कह रहे हैं इनके बालों में बहुत जुए हो गए हैं। डॉक्टर है, हम लोग ये सब नहीं करेंगे। अरे कर देते हैं, पैसे ही तो देगा। अरे लेकिन इसके अंदर ये जुओं का भंडार आया कैसे? अरे किसी के सर में इतने बड़े जुए कैसे हो सकते हैं? अरे मेरे पास हर चीज का सोल्यूशन है, ये है मेरी दादी जी की 100 साल पुरानी कंघी, इससे एक बार में सारे जुए निकल आएंगे। सारे जुए तो कंघी में चिपक रहे हैं, ये तो बहुत खतरनाक लग रहे हैं। पैसे दो, नाचना बाद में। अरे क्या वो अंकल जी उल्टा होके क्यों बैठे हैं? अरे इनके पीछे क्या हो गया है, लगता है मधुमक्खियों ने काट लिया है। अंकल जी ये जो आपके फूल गया है ना, इसकी हमारे पास दवाई नहीं है। अरे तो इस डंडे से मार के इस दाने को फोड़ देते हैं। हो गया, और इस लेवल में तो इनके पैर में कुछ फंस गया है। अरे अंकल जी कहाँ पैर डाल दिया था, चूहे के ट्रैप में पैर डाल दिया था क्या? हो गया। क्या ये भी सही करना है? अरे इसको सही करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मोजो का निशान है। अरे थोड़े ढीले मोजे पहना करिए। अरे मैं इसे ऊपर कर देता हूँ। अरे क्या वो आंटी जी का पैर टूट गया? अरे आंटी जी क्या वो पैर को, पैर काटना है क्या आपका? अरे पैर नहीं काटना है, पैर में प्लास्टर लगा है उसे काटना है। चलो उसको इस मशीन से काटते हैं। अरे देख के काटना, कहीं पैर न कट जाए। अरे अरे चिंता मत करो, मसाओ है ना, मसाओ बहुत प्रोफेशनल है। हाँ मुझे सब कुछ आता है, और सिंचैन जैसे छोटे मोटे बच्चे तो मेरे आस पास भी नहीं दिखते। अरे इस पागल मसाओ के काटने से तो कुछ हुआ नहीं, हम इसे तोड़ देते हैं, पूरा प्लास्टर गिर जाएगा। अरे दोस्तों इन अंकल के हाथ पे एक ट्रक का पहिया चढ़ गया है। अरे तो हमारे पास क्यों है, हम तो बहुत छोटे डॉक्टर हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे तुम्हें थोड़ी ना करना है नर्स, कहीं के मैं डॉक्टर हूँ, इसके हाथ में बस पट्टी ही बांधनी है और ये सही हो जाएगा। चलो थोड़ी क्रीम लगा दी है, चलो पट्टी बांधते हैं। गर्ल गर्ल गर्ल, अरे वाह। अंकल जी दोबारा जरूर आना। क्या हम कंट्री के नंबर वन डॉक्टर है और ये हमसे नाखून कटवाने आए हैं? और इनके नाखून कैसे हैं, अजीब तरीके से? अरे अब आए हैं तो मैंने काट दिया है। और इनकी उंगलियों में सींग क्यों उग रहे हैं? और इसको नोचो, फालतू का टाइम मत वेस्ट करो।
अब दर्द तो हो गई आंटी, रोने का कोई फायदा नहीं है। अरे दोस्तों इनके ऊपर बिजली गिर गई है। और इनको बहुत बड़ा करंट लगा है, इनके तो बाल बाल भी खड़े हो गए हैं। अरे दोस्तों जो इनके अंदर करंट है ना वो हम लोग खींच लेते हैं, तो फिर ये अंकल सही हो जाएंगे, उनके बाल भी शायद सही हो जाएं। अरे वाह इनके अंदर की लाइट से तो बल्ब जल रहा है। अरे वाह अंकल तो सही भी हो गए। दोस्तों हम लोग को थोड़ी एम्बुलेंस की जॉब भी मिल गई है। अरे ये देखो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, जल्दी चलो हमें इसकी जान बचानी है। अरे ये है मेरी एम्बुलेंस। अरे जल्दी बैठो, पीछे से नहीं आगे से बैठो। अरे क्या कहाँ कैसे बैठना है? अरे ऐसे नहीं, यहाँ पे अलग टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। अरे यहाँ हम ऐसे नहीं चढ़ सकते एम्बुलेंस पे, यहाँ ग्रीन वाले एरिया पे जाएंगे तो चढ़ जाएंगे। जल्दी चलो वरना तो वहाँ पर वो मरी जाएगा। अरे मैं चलाता हूँ ना, मैं सब कुछ चला लेता हूँ। अरे ये तुमने पलटा क्यों दिया? अरे इसको हटाओ यार, इस बुद्धू बच्चे को हटाओ, मैं चलाता हूँ। अरे वो तुम अपने पहले नोजी तो पोछा, गाड़ी तुम्हारा सिंचैन चलाएगा। अरे अरे मैं नहीं चलाऊंगा, मैं नहीं चलाऊंगा, मेरे तो पैर नीचे एक्सीलेटर तक पहुँचेंगे ही नहीं। अरे वह हम पहुँच गए, मजा ही आ गया। जल्दी इसको उठाते हैं, जल्दी जल्दी इसको हॉस्पिटल ले चलो, नहीं मर जाएगा। अरे जल्दी चलो थोड़ा। अरे अरे क्या हुआ पुलिस वालों, क्या हुआ? अरे वाह हॉस्पिटल आ गया, चलो जल्दी इसको छोड़ देते हैं। अगर वो मर गया तो हमें जेल हो जाएगी। दोस्तों हम लोग इस गेम में पेशेंट बने, लेकिन हमारे पीछे डॉक्टर के पड़े हैं। इनके पास तो बहुत बड़ा इंजेक्शन है। अरे मुझे तो छोटे से छोटे इंजेक्शन से डर लगता है, तो डॉक्टर इतनी बड़ी बड़ी सुई लेके मेरे पीछे क्यों भागा? अरे मसाओ तुम तो बिल्डिंग पे चढ़ गए। अरे लेकिन डॉक्टर तो हमारे पीछे आ गए। अरे कोई बचाओ, मैं भागता जाऊंगा जाम। मेरी बेब ने मसाओ सुपर हीरो बन गया है। अरे गर्ल 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 हमें पकड़ो। अरे नबिता क्या कर रहा है? अरे लो पकड़ लिया, इतना बड़ा इंजेक्शन लगा दिया हमारे। आप लोग को इंजेक्शन और दवाई से डर लगता है कि नहीं, कमेंट से बताओ। इस वीडियो को लाइक करने में सिर्फ एक सेकंड लगेगा, जल्दी से लाइक कर दो और मिलते हैं अगली वीडियो में।